आज हम एक्सेल में सब टोटल फंक्शन के बारे में जानेंगे। सब टोटल फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है, किस लिए किया जाता है, सब टोटल फंक्शन करता क्या है तथा कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, एग्जैक्ट क्या रिजल्ट देता है या हम नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। स्क्रीन पे आपको एक बैग का इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज को देख कर आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस बैग की वर्किंग क्या है, किस लिए इसका यूज किया जाएगा। इसे हम अभी एग्जाम्पल की बात की जाए, इस बैग का यूज हम स्कूल के लिए भी कर सकते हैं, सफर यात्रा करें टूरिस्ट बैग के रूप में कर सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। अभी ये बैग का एग्जैक्ट वर्किंग जो है ये क्लियर नहीं है कि ये किस लिए यूज किया जाएगा, लेकिन यदि इसमें हम कुछ बुक्स को रख देते हैं तो ऐसे में इसकी जो वर्किंग है क्लियर हो जाएगा कि ये बैग का वर्किंग क्या है, स्कूल बैग के रूप में किया जाएगा। तो किस पे डिपेंड किया, जो हमने इस बैग में कंपोनेंट यूज है, जो हमने कंटेंट यूज किया बुक, उससे क्लियर हो गया इस बैग की वर्किंग। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देते हैं। इस बैग में हमने कुछ कपड़े रख दिए, तो ऐसे में इसका जो वर्किंग है एक सफर के दौरान एक टूरिस्ट बैग के रूप में कर सकते हैं। अगले उदाहरण में यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेटर्स, पेन, डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, ये सब रख देंगे इस बैग में, तो इसका जो वर्किंग होगा ऑफिस बैग के रूप में किया जाएगा। तो ये बैग का जो वर्किंग है एग्जैक्ट किससे क्लियर हो, जो हमने अलग अलग तरीके से कंपोनेंट रखा, कंटेंट रखा, उससे क्लियर हो गया इस बैग की वर्किंग क्या है। तो हमने फर्स्ट बुक रखा तो स्कूल बैग के रूप में इसकी वर्किंग हो गई। कुछ कपड़े हमने रखा, ये टूरिस्ट बैग का काम करने लगा। इसमें हमने कुछ डॉक्यूमेंट, डायरीज, पेन, कैलकुलेटर रखा तो ये ऑफिस बैग का वर्किंग करने लगा। तो हमारा बैग कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है कि जो कंटेंट हमने रखा है इससे कि ये बैग का वर्किंग क्या है। सेम ऐसे हमारा सब टोटल फंक्शन भी होता है। अब हमें सब टोटल फंक्शन सीखना है, तो सब टोटल फंक्शन में जो कंटेंट यूज किया जाए, कंपोनेंट यूज किया जाएगा, वो कोई अदर फंक्शन होगा। जैसे सब टोटल फंक्शन में हम सम फंक्शन यूज करेंगे, तो सब टोटल का जो वर्किंग होगा एक सम फंक्शन का रिजल्ट देगा, एक सम फंक्शन जैसा वर्क करेगा। यदि इसमें हम एवरेज फंक्शन यूज कर लेंगे तो इसकी वर्किंग क्या होगा, एक एवरेज फंक्शन का वर्क होगा, मतलब ये रिजल्ट क्या देगा, एवरेज फंक्शन का, औसत का रिजल्ट देगा। यदि हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं तो सब टोटल फंक्शन हमारा मैक्स फंक्शन का वर्क करेगा, मतलब रिजल्ट हमको लार्जेस्ट वैल्यू देगा। सब टोटल फंक्शन में यूज किए जाने वाले फंक्शन के अनुसार ही हमें रिजल्ट देगा। यदि सम फंक्शन यूज किए तो ये सम फंक्शन का रिजल्ट देगा, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे सब टोटल फंक्शन में जो जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसी से रिलेटेड हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर सब टोटल फंक्शन में मैं सम फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, जोड़ने का काम कर रहा है, सम फंक्शन का वर्क कर रहा है, तो ऐसे में सब टोटल फंक्शन लगाने की क्या जरूरत है, सम फंक्शन भी तो लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन अभी एक ऐसे कंडीशन आएगा जहां पे आपका सम फंक्शन वर्क करना बंद कर देता, ऐसे में आपको सब टोटल फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं और सीखेंगे कि सब टोटल फंक्शन और नॉर्मली हम फंक्शन को यूज करते हैं उसमें क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजिंग होता है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया जहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग डेट पे अलग अलग कोर्स के लिए फीस को जमा करता है। अब हमें सभी फीस का टोटल निकालना है कि टोटल फीस कितना जमा हुआ है, तो उसके लिए आप नॉर्मली यूज करोगे इज इक्वल सम, फीस वाले सभी सेल को आप सिलेक्ट कर लोगे और ब्रेकेट बंद करके इंटर की प्रेस करोगे। ऐसे में क्या हुआ, सभी फीस का टोटल निकाल दिया है हमारा सम फंक्शन। यदि हम इस डेटा पे फिल्टर अप्लाई कर दे, तो डेटा टाइप में चलते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब हम सिर्फ ट्रिपल सी कोर्स को फिल्टर करके देखना चाहते हैं और उसका टोटल फीस देखना चाहते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स का टोटल कितना फीस जमा हुआ है। तो यहाँ पे कोर्स वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके सभी को अनसिलेक्ट कर देना, अनचेक कर देना है। सिर्फ हम ट्रिपल सी वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी कोर्स हट गया है, सिर्फ ट्रिपल सी का कोर्स दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने फिल्टर किया तो जो हमारा सम वाला फंक्शन था वो रिमूव हो गया, दिखाई नहीं दे, टोटल वाला जो हमारा रो था वो क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सम फंक्शन वर्क करना बंद हो जाता है, सम फंक्शन जिसमें हमने लगाया था वो रिमूव हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें सम फंक्शन न लगा के सब टोटल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए कंट्रोल जेड अंडो करते हैं। अब हम जिसमें सम फंक्शन हमने लगाया था उस सेल को हम डिलीट कर देते हैं। अब यूज करेंगे इज इक्वल सब टोटल
सब टोटल फंक्शन जैसे लगा के आप ब्रेकेट ओपन करेंगे, पहले पूछता है फंक्शन नंबर। जैसे हमें फीस का टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, सम फंक्शन। आपको जो भी फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन के सामने आप देखेंगे यहाँ पे इस लिस्ट में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमें सम करना है तो सम के लिए यहाँ पे आप देखोगे सम फंक्शन के आगे आपको 9 दिख रहा होगा, सम फंक्शन का नंबर क्या है 9। इसी तरह आप देखेंगे कई सारा फंक्शन आपको दिखाई देगा, हर फंक्शन के सामने क्या है उस फंक्शन का नंबर है। यहाँ पे जोड़ने के लिए फंक्शन का जो नंबर है वो 9 है और दूसरा सम फंक्शन का जो नंबर है वो है 109। इस नंबर के थ्रू आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हो। जोड़ना है तो जोड़ने के लिए सम फंक्शन, तो सम फंक्शन का नंबर है 9 टाइप करने के बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको पूछेगा रेफरेंस 1 कॉमा रेफरेंस 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको जिस वैल्यू को जोड़ना है उन सभी की लिस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रेकेट क्लोज कर देना, इंटर की प्रेस कर देना। अब आप देखेंगे आप यहाँ पे सभी फीस को जोड़ दिया है। अब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ कोर्स वाले हेडिंग पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे अनचेक करके सिर्फ ट्रिपल्स वाली कोर्स को इनेबल करते हैं। ओके जैसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारा जो टोटल वाला फीस का कॉलम है वो दिखाई दे रहा है और वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे फीस हमारा जो है 300 और 500 600 और 500 रुपए है। तो ऐसे में जो टोटल फीस जोड़ा है 1900 रुपए जोड़ दिया है। तो ऐसे में आप किसी भी कोर्स का टोटल आपको निकालना था, फिल्टर पे जाओगे, जो कोर्स का देखना है उसको चेक कर दो, बाकी सभी को अनचेक करके ओके कर दो। अब आप देखेंगे फिल्टर करके हमने डीसी कोर्स की टोटल फीस को बता दिया है। चलिए एक बार हम और इस फंक्शन को सीखते हैं, इज इक्वल सब टोटल। इस बार मान लीजिए हमको फीस में सबसे अधिकतम फीस पता करना है, सबसे बड़ी वैल्यू पता करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इस लिस्ट में मैक्स फंक्शन के लिए फंक्शन नंबर कौन सा है, तो मैक्स फंक्शन के आगे देखेंगे 4 लिखा हुआ, मतलब फंक्शन नंबर क्या है 4। तो मैक्स फंक्शन यूज करने के लिए 4 नंबर हम की प्रेस करेंगे। 4 प्रेस करने के बाद कॉमा लगाएंगे, उन सेल को सिलेक्ट कर लो जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढना है। अब हम फीस वाले सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रेकेट क्लोज, इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारा है 2000 है, तो आप इस लिस्ट में देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारा 2000 है। तो ऐसे में सब टोटल फंक्शन के थ्रू आप किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।